अराजकता, गुंडागिरी चरम पर मानी जाती थी। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भैया, सोशल मीडिया पर आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने बात की कि अब जो अपराधी जो हैं उनके मन में और उनके दिमाग में एक बात जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है कि अब अपराध नहीं करना उनकी खैर नहीं है। जरा वीडियो देखिए। लोग चर्चा करते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिरी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। और कानून का एक भय है, और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यानी केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी, और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। इस वीडियो के साथ ट्विटर यूजर्स ने सीएम योगी पर कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ अभी हाल ही में हुए मामलों को लेकर हमलावर थे, जैसे लखीमपुर खीरी, तो कुछ कानपुर के एक हिस्ट्री शीटर की तस्वीर वायरल कर रहे थे जो पुलिस की गाड़ी में पुलिस की कैप लगाए सिगरेट लेते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर जान लीजिए कि और क्या कुछ लिख रहे थे। यहाँ पर कुछ जो है वो लिख रहे थे कि हत्या और रेप जैसे जो है मामले काफी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि लखीमपुर मामला जो है वो अभी भी लोगों के जहन में है कि किस तरह से दो बहनों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद जो है तमाम घटनाओं को लेकर लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन तभी एक अलग सा वीडियो भी उसमें देखने को मिला, जिसमें एक यूजर जो है वो अलग अपनी जो है समस्या लेकर उसका वीडियो बनाकर सीएम योगी के इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, और वीडियो पहले देख लीजिए आप। आज बिस्सा 15 धूर पे अपना कब्जा दिखा रहे, जो कि ग्राम समाज की जमीन है, और दो दो तल्ले का कोठी है, सारे कागज हमारे पास है। महोदय जी से निवेदन है, मेरे साक्ष्य सबूतों को देख कर मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। अभी एक बार धन्यवाद। हमारे ग्राम प्रधान राजकुमार पुत्र रंजन का कहना है कि अगर तुम पूरे परिवार को लेके आओगे अपहरण करवा देंगे, या तो कोई झूठी मुकदमा में फंसा देंगे पैसा वगैरह देके। इसलिए मैं अपने बाल बच्चों को लेके महाराष्ट्र में पड़ा हुआ हूँ, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं की जा रही है। तो कुल मिला जुलाकर सीएम योगी के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि जो दावे आप कर रहे हैं उन दावों की सच्चाई क्या है। आजकल उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले जो इतने बढ़ गए हैं, उस बढ़ने के बाद जो है पुलिस या कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं सुस्त दिख रही है, तो उसको लेकर भी सवाल कई सारे उठाए गए। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ही का है और लखनऊ का है, लेकिन इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो जैसा कि हमने बात की कि सीएम योगी आदित्यनाथ के वीडियो पर एक कमेंट आया, जिसमें कानपुर का हिस्ट्री शीटर जो है बकायदा पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ है और आराम से पुलिस की कैप लगाकर हाथ में सिगरेट लिए फोटो खिंचवा रहा है। अब इसी मामले को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है चर्चा की जा रही है। इस तस्वीर को शेयर कर लिखा जा रहा है, यह है हिस्ट्री शीटर सोनू घोषी, गाड़ी और टोपी इंस्पेक्टर श्रीकांत शुक्ला की है और सिगरेट खुद की। तो कुछ लिखते आए कि अपराधी को पुलिस ने बनाया दरोगा, हरबंस मोहल्ला थाने का हिस्ट्री शीटर सोनू घोषी, कानपुर पुलिस की कार और टोपी में ली सेल्फी हुई वायरल,
डीजीपी यूपी को टैग करके लिखा कि खाकी और अपराधी की दोस्ती को बयां करती है ये तस्वीर। हालांकि हिस्ट्री शीटर की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो है कानपुर पुलिस तुरंत सख्ते में आई और उन्होंने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हिस्ट्री शीटर सोनू घोषी की पुलिस की स्टिकर लगी कार के भीतर पुलिस की टोपी में ली गई फोटो 22 अगस्त 2019 की है और ये फोटो सफी बिल्डिंग स्थित बनारसी चाय वाले की दुकान के सामने ली गई थी। इसमें थाना हरवंश मोहल्ला क्षेत्र में सपरिवार निवास कर रहे उप निरीक्षक श्रीकांत शुक्ला जो वर्तमान में निरीक्षक हैं उनके पुत्र लक्ष्मी पंडित उर्फ दीपक शुक्ला के पुलिस का स्टिकर लगी सफेद वैगनार प्रयुक्त हुई है। इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कानपुर पुलिस की तरफ से जब जवाब आया तो आप जान लीजिए कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब के बेटे की हिस्ट्री शीटर संग दोस्ती जो है उन पर भारी पड़ गई। इंस्पेक्टर की कार में पुलिस कैप लगाकर बैठे सेल्फी लेते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए झांसी के पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। अमित नाम के व्यक्ति ने हिस्ट्री शीटर की फोटो ट्वीट की थी जो कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फोटो में पुलिस की स्टिकर लगी सफेद रंग की वैगनार कार में आगे की सीट पर एक युवक एक हाथ में सिगरेट और पुलिस की कैप लगाकर मोबाइल से सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि जैसा कि पुलिस ने कहा कि उनके बेटे की जो दोस्ती है उस दोस्ती की वजह से जो है ये मामला पूरा सामने आया और ये कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ गया, इंस्पेक्टर साहब पे भी और उनके बेटे पे भी। तो ये मामला भी काफी ज्यादा चर्चित था। और इसी के साथ आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब यहीं खत्म होता है, लेकिन आप यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स यूपी तक की वेबसाइट पर पा सकते हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।